पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज के हमारे खास मेहमान हैं रिसेंटली रिलीज फिल्म सत्य प्रेम की कथा से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाले नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर समीर विद्वांस। इनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे फिल्म की अकम्पलिशमेंट के बारे में, इनकी जर्नी और फ्यूचर प्लान्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले समीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच। और वो जिस तरह से बॉलीवुड की भाषा में कह रहे हैं ना, 100 करोड़ क्लब, उसमें आपकी फिल्म की एंट्री हो गई है, सो बिग कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। सो कैसा फील हो रहा है, रिस्पॉन्स, रिएक्शन? अगर मैं मॉनेटरी उसको अलग कर दूं, बट जो लोग पसंद कर रहे हैं फिल्म को, जो रिएक्शन आ रहे हैं उसके बारे में सिर्फ अगर बात करूं, सो कैसा है? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है कि जैसे आपको पता है कि सब्जेक्ट बहुत ही सेंसिटिव है और एक अच्छा मैसेज थ्रू एंटरटेनमेंट हम लोगों को दे रहे हैं, और लोगों ने बहुत अच्छा रिसीव भी किया है। जिस तरीके के मैसेजेस आते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लोग दो दो बार, तीन तीन बार, पांच पांच बार जाके फिल्म देख रहे हैं और अलग अलग सीन्स के बारे में बातें कर रहे हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग सीन्स अच्छे लग रहे हैं। तो ओवरऑल फिल्म को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, और वो ज्यादा बहुत अच्छा लगता है कि करेक्ट मॉनेटरी टर्म्स तो है, होते ही है, वो रिटर्न तो जरूरी है। तो वो रिवॉर्ड दोनों तरफ से इस फिल्म को मिल रहा है, लोगों का अप्रिसिएशन, और मेन जो लोग कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छे टॉपिक पे आपने बहुत ही सेंसिटिव और अच्छी फिल्म बनाई। तो ये हम सब लोगों के लिए, राइटर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर्स हो, एक्टर्स हो, जो भी, हर डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा, ये अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि एक सेंसिटिव टॉपिक को लिया गया है, बट फिल्म में प्रीची नहीं लगता है, ऐसा नहीं लग रहा कि ज्ञान दे रहे हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा फॉर ऑडियंस, अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो तो वो बोरियत की तरफ ले जाता है। तो ये मैनेज करना, बैलेंस करना चैलेंजिंग रहा, या ये एक कॉन्शियस अप्रोच शुरू से रही थी? ये कॉन्शियस अप्रोच शुरू से थी कि मतलब राइटिंग से लेके, कि जो हमारा राइटर है करण शर्मा, उसने बेसिकली राइटिंग में ही वो बैलेंस अच्छे तरीके से रखा था, क्योंकि ये कॉन्शियस अप्रोच था कि हमें एक मैसेज बाहर भेजना है लेकिन वो प्रीची नहीं भेजना। और फाइनली हम लोग एक ऐसे जरिया, हम लोग जो चूज कर रहे हैं वो एंटरटेनमेंट है, तो लोग एंटरटेन भी होने चाहिए, और जब वो घर जाए तो एक अच्छा फील लेके, एक अच्छा मैसेज लेके घर जाए। तो एक कॉन्शियस एफर्ट पहले से था, राइटिंग में भी था, ट्रीटमेंट में था, म्यूजिक में था, सब जगह। तो वो ऑब्वियसली थोड़ा चैलेंजिंग तो होता ही है कि वो एक बड़ा चैलेंज रहता है कि यार वो प्रीची ना हो जाए, क्योंकि जिस टाइम वो प्रीची हो जाएगी तो लोग थोड़ा सा डिटैच हो जाते हैं फिल्म से। तो वो जहां जहां हम लोग बैलेंस कर पाए वहां वहां हमने बैलेंस किया, और जिस तरीके का भी रिस्पॉन्स आ रहा है तो लग रहा है कि काफी हद तक हम उसमें सक्सेसफुल रहे हैं। राइट। लेकिन समीर, ये मुझे बताइए कि जिस तरह से पोस्ट पैंडमिक हम देख रहे हैं कि फिल्म्स जो हैं थिएटर में उतनी वेल रिसीव्ड नहीं हो रही है, बिकॉज अभी भी दर्शक नहीं सिनेमा घर में जा रहे हैं। वो जो चार्म एक हुआ करता था 70 mm का, वो थोड़ा सा पैंडेमिक की वजह से कम हो गया है। ऐसे में कहीं आपको एप्रिहेंशन या जरा सी नर्वसनेस या डाउट था कि आप इसको बड़े पर्दे पर रिलीज करने जा रहे हैं, या यू हैड फेथ ऑन योर सब्जेक्ट? फॉर्चुनेटली मेरे आसपास जो लोग हैं, मतलब मेरे प्रोड्यूसर्स शारीन, किशोर सर, साजिद सर, उन सब का बहुत बड़ा फेथ था इसमें कि यार हमें ये थिएट्रिकल ही रिलीज करनी है, और वो जिस तरीके से कॉन्फिडेंस दे रहे थे तो मुझे भी इस सब्जेक्ट में फेथ था कि ऑब्वियसली बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, कि OTT प्लेटफॉर्म्स जितने आए हैं वो भी बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक होता है ना कि फिल्म मेकर के लिए वो हमेशा जो विजन रखता है वो 70 mm का विजन रखता है, और हम ये चाहते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म है तो वहां पे वो फिल्म आए, लेकिन जब वो रिलीज हो, वो बड़े पर्दे पे रिलीज हो। तो वो फेथ पहले से ही इस सब्जेक्ट में था, इसीलिए जिस तरीके से हमने गाने किए, जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया, जिस तरीके से उसका कास्टिंग हुआ है, तो अप्रोच हमने वो पहले से ही रखा। तो थोड़ा अप्रिहेंशन नहीं था कभी भी, कि अप्रिहेंशन होता तो फिर वो मैटर करता है कि वो हर छोटी छोटी चीज में फिर आप लोग सोचते रहते हो, कॉन्टेम्पलेट करते रहते हो, वो हमने बिल्कुल नहीं किया। हमें फेथ था इस सब्जेक्ट में, हमें फेथ था ऑडियंस में कि अगर आप अच्छा कुछ लोगों को दो, और जो उनको बड़े पर्दे पे देखने में मजा आए, अगर ये आप प्रॉमिस उनको देते हो, वो अगर आप उनको ऑफर करते हो तो ऑफर लोग लेंगे, और वही होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सब्जेक्ट के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ आप कैसे जुड़े?
ये मेरा और नमा पिक्चर्स का सेकंड एसोसिएशन है। पहले हमने आनंदी गोपाल नाम की फिल्म की थी जिसको नेशनल अवार्ड मिला था, राइट तो मैं इन लोगों को बहुत पहले से पहचानता था। हमारी सेंसिबिलिटी बहुत ही मैच करती है। और ये जब सब्जेक्ट दिमाग में आया तो मुझे बुलाया उन्होंने कि एक फिल्म हमने की है, अभी नेक्स्ट फिल्म हम करना चाहते हैं, तो ये सब्जेक्ट पढ़ के देखो। और करण ने वो स्क्रिप्ट लिखी थी, और जिस दिन मैंने वो स्क्रिप्ट सुनी मेरी आंखें नम थी, और बहुत अच्छा भी लग रहा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये मुझे करने को मिल रहा है। तो मैंने वो तुरंत हाँ बोल दिया, और फिर एक साथ हमने काम स्टार्ट कर लिया, फिर धीरे धीरे सब लोग जुड़ते गए और फिर ये फिल्म बनी। राइट right. तो पूरा शूट एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका कास्ट के साथ में, और यू नो इन टोटैलिटी अगर हम देखें तो कैसा रहा? बहुत अच्छा था। हमने अलग अलग जगहों पे जाके शूट किया है, अहमदाबाद में शूट किया, बड़ोड़ा में शूट किया, हमने राजकोट के नजदीक के गोंडल नाम का गांव है वहां पे हमने शूट किया, बॉम्बे में शूट किया, मुंबई में शूट किया। तो एक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, कास्ट बहुत अच्छी थी। कियारा हो, कार्तिक हो, गजराज सर, सुप्रिया मैम, सिद्धार्थ रंगेरिया जो गुजरात में बहुत बड़े, वहां पे उनको अमिताभ बच्चन ही बोला जाता है, इतने बड़े, अनुराधा मैम, शिखा, और बाकी भी सारी कास्ट। तो एक बहुत अच्छी चीज थी कि ये सारे लोग पूरी तरह से फिल्म के अंदर थे, सबका एटीट्यूड बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। और मेरे सारे एचओडीज जो इतने एक्सपीरियंस लेके आते हैं, कि ये मेरी पहली हिंदी फिल्म है लेकिन ये सारे एचओडीज मेरे साथ थे, उन्होंने बहुत सारी फिल्में अलग अलग स्केल पे उन्होंने की है, अलग अलग टॉपिक पे उन्होंने की है, तो वो सब एक साथ थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सबका अप्रोच एकदम पॉजिटिव था, सबका अप्रोच एकदम, जिसको कहते हैं ना कि एक सेंसिटिव सब्जेक्ट हम लोग अगर कर रहे हैं तो जो अप्रोच भी वैसा सेंसिटिव होना चाहिए किसी भी आर्टिस्ट का, राइट तो इन सबका अप्रोच टुवर्ड सब्जेक्ट वही था। तो काम करने में बहुत मजा आया। और जुगलबंदी, जैसे सुप्रिया मैम और गजराज सर की जो जुगलबंदी चलती है, जैसे कार्तिक और कियारा की, कार्तिक और सिद्धार्थ सर की, कार्तिक और गजराज सर की, तो बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन में ना जुगलबंदी चलती रही। तो बहुत मजा आया फिल्म जब हम लोग कर रहे थे। हमने 65-70 दिन का शूट किया, गाने शूट किए अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर के साथ, तो ऑल इन ऑल एक अलग एक्सपीरियंस था और बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था। राइट लेकिन जिस तरह से ये आपकी पहली बॉलीवुड फिल्म है मराठी सिनेमा में, तो आप यू नो काफी जाने जाते हैं, नेशनल अवार्ड भी आपको आनंदी गोपाल के लिए जिस तरह से मिला, तो आपको कोई मीडियम में डिफरेंस लगा या फिल्म मेकिंग प्रोसेस में डिफरेंस लगा अगर मैं मराठी सिनेमा से कंपेयर करूं वर्सेस बॉलीवुड, क्योंकि हम लार्जर देन लाइफ फिल्में यहाँ पर देखने और देने के आदी हैं। हाँ, है डिफरेंस है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि रीजनल फिल्म में उनका अप्रोच थोड़ा सा अलग होता है, फिल्म मेकिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो जो मेरा कन्विक्शन था, जो मेरा विजन था, वही विजन लेके मैं यहाँ पे आया था, और उस विजन को सपोर्ट करने वाले सारे लोग मेरे आसपास थे, तो मेरे लिए फिल्म मेकिंग में कोई डिफरेंस नहीं रहा। लेकिन डिफरेंस दो तीन चीजों पर रहता है। तो स्केल लेवल पे डिफरेंस रहता है, बजट लेवल पे डिफरेंस रहता है, और ऐसे होता है कि जैसे रीजनल फिल्म में हम लोग एक कंस्ट्रेंट में बनाते हैं, जो फिनेंशियल कंस्ट्रेंट से लेके बजट से लेके हर चीज रीजनल फिल्म है, तो उसका जो स्कोप है वो भी कम है, सिर्फ महाराष्ट्र में रिलीज होगी फिल्म, मैं मराठी फिल्म करता हूँ, ये अभी पैन इंडिया है, ये पूरे देश में होने वाली है, तो वो नजरिया थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो उस हिसाब से गाने, उस हिसाब से डांस कोरियोग्राफी, उस हिसाब से उस सब्जेक्ट को स्केल पे लेके जाना, तो वो डिफरेंस था, और मैंने वो बहुत एंजॉय भी किया। वो कहते हैं ना कि जब मराठी फिल्में हम लोग करते थे, तो हम लोग कहते थे कि अगर यार ऐसा करने को मिले तो कितना मजा आएगा, वैसा करने को मिले तो कितना मजा आएगा, अगर इतने दिन शूट करने को मिले तो कितना मजा आएगा। वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे करने को मिली, तो वो डिफरेंस पक्का था, फिल्म मेकिंग में नहीं था, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजों में अप्रोच थोड़ा वाइडर, थोड़ा उसको ऐसे नहीं देखो, थोड़ा होराइजन बड़ा हो जाता है, हाँ उस हिसाब से उसको देखो, वो डिफरेंस पक्का था। राइट तो 2013 में आपका डेब्यू वर्सेस 2023 में आपका बॉलीवुड डेब्यू, ये जो एक दशक का अंतराल रहा है इसमें अगर आप अपनी जर्नी को मुड़कर देखेंगे समीर, तो कैसा आप यू नो इसको सम अप करेंगे, कैसा कहेंगे? इस जर्नी को देखा जाए तो एक दो चीजें मेरे दिमाग में आती है कि जब मैंने 2013 को फर्स्ट मराठी फिल्म की, तो मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये फिल्म कैसे होगी, लोग इसको कैसे रिसीव करेंगे, कितना अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वो फिल्म को भी लोगों ने अच्छे से रिसीव किया, अप्रिशिएट किया। उसके बाद जब अब मैं फर्स्ट मेरी बॉलीवुड फिल्म कर रहा हूँ, सेम अप्रोच से मैंने सामना किया कि जो मेरा कन्विक्शन कहता है,
जो मुझे करना है, जिस लगन से मैं फिल्म मेकिंग करता हूँ वही दिमाग में रख के मुझे करना है। अगर हमने अच्छा लोगों के सामने लेके आए कुछ अच्छी चीजें तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो वो था। तो एक वो जो मेरी काम करने का जो मेरा तरीका है उसमें 10 साल में मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। लेकिन हमेशा से मैं कहता हूँ कि दो चीजें मेरे दिमाग में होती है कि जिस दिन फिल्म मेरी रिलीज हो जाती है मैं मूव ऑन कर देता हूँ कि ओके अभी मुझे इस फिल्म को डिस्टेंस से देखना है कि क्या मैंने क्या गलतियां की और ये गलतियां मुझे रिपीट नहीं करनी है नेक्स्ट फिल्म। तो ये मैं जरूर महसूस करता हूँ कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ मैंने 7 फिल्में की, तो हर फिल्म में मैं मेरी पुरानी गलतियां सुधारते आगे आया हूँ। तो अब लगता है कि यहाँ मैं कुछ जर्नी करके यहाँ तक पहुंचा हूँ कि जो मैं 2013 में नाइव था, कुछ इतना एक्सपोजर नहीं था, एज अपोज टू दैट आज मुझे बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस आ चुका है। स्केल वाइज अब मैं धीरे धीरे बड़ी स्केल हैंडल करते करते अभी इतनी बड़ी स्केल की फिल्म कर चुका हूँ, तो वो डिफरेंस पक्का है कि बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं चाहता हूँ कि अभी तक बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो सेम अभी मैं करने वाला हूँ कि यहाँ से आगे 10 साल 20 साल यही सीखते सीखते जाऊंगा, देखता हूँ। करेक्ट। अच्छा, जैसे 10 साल में अगर हम बात कर रहे हैं तो कंटेंट कंजम्पशन का जो तरीका है फॉर ऑडियंस वो तो बहुत ही ड्रास्टिकली बदल गया। इतने सारे प्लेयर्स आ गए हैं, अभी सिर्फ टीवी नहीं है, अभी सिर्फ आपके पास यू नो बड़ा पर्दा नहीं है, अभी हमारे पास ओटीटी प्लेयर्स भी आ गए हैं। तो ऑडियंस की थाली में आप देखें एक तरह से तो बहुत कुछ है जो परोसा जा रहा है। मैं आपसे एज अ क्रिएटर, एज अ फिल्म मेकर अगर पूछूं तो आप इस चेंज को कितना वेलकमिंग मानते हैं एज अ क्रिएटर? मैं वेलकमिंग मानता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो जो हमेशा से हम लोग कहते हैं ना कि प्लेटफॉर्म्स जैसे आए तो एक फिल्म मेकिंग पहले ऐसा था कि सिर्फ स्क्रीन पे आएगी उसके बाद टेलीविजन पे आएगी। अब एक अलग एक दुनिया आपके सामने है कंटेंट के लिए और कंटेंट के लिए कि जो कंटेंट शायद हम लोग बड़े स्क्रीन पे नहीं ला पाएंगे। वो कंटेंट थोड़ा हार्ड हिटिंग हो सकता है, सेंसर बोर्ड है अपने यहाँ पे, तो फिलहाल तो अभी ओटीटी के लिए सेंसर बोर्ड नहीं है लेकिन जिस तरीके से हम लोग आगे जा रहे हैं शायद सेंसर बोर्ड आएगा वहां पे भी। लेकिन तब तक कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसको आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो और वो आप ओटीटी पे लेके आ सकते हो, तो ना मुझे लगता है कि ये बहुत ही वेलकमिंग है कि सब्जेक्ट आप देखिए वो इसलिए वो चेंज भी हुआ है कि ऑडियंस को एक्सपोजर मिला, बाहर की फिल्में लोग देखने लगे जो पहले हम लोग टॉरेंट पे चुरा के देखते थे, वो अभी हम लोग ऑफिशियली ऑडियंस देख रही है, उनका भी होराइजन बढ़ रहा है और उस होराइजन को और उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो उसको प्रोवाइड करने के लिए अपने पास अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम लोग यूज करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अलग अलग तरीके का दे पा रहे हैं, वो वेब सीरीज हो, फिल्म हो, कुछ भी हो। तो ये बहुत ही वेलकमिंग चेंज है। वो जितना जितना प्लेटफॉर्म ज्यादा आएंगे उतना कंटेंट ज्यादा बनेगा, उतना बिजनेस वाइज भी आपका ये बढ़ता है। और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे लगता है कि कोविड, ड्यूरिंग कोविड अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं होते तो लोग क्या करते घर पे बैठ के, मतलब जो जिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन एंटरटेनमेंट ने उनको सेम रखा और वो उसी वजह से हुआ क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अपने पास थे, थिएटर्स बंद थी, सब बंद था। तो ये वेलकमिंग ही चेंज मानता हूँ मैं हमेशा। तो आप सोचते हैं ओटीटी के लिए कॉन्टेंट बनाना या फिर किस तरह का कॉन्टेंट है या किस तरह की कहानियां हैं जो अगर मैं समीर से पूछूं तो समीर कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं? मैं हर तरीके की फिल्म बनाना चाहता हूँ। मेरा मुझे यह है कि मैं हर जॉनर की फिल्म बनाऊ लेकिन मेरा जो मेन फोकस रहता है वो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। और वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में हर एंगल से उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मतलब पॉलिटिकल फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होती है। हमें हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल फिल्म यानी सिर्फ एक एक पॉलिटिक्स जो बाहर होता है, जो एक्सटर्नल पॉलिटिक्स होता है उसके बारे में हम लोग फिल्में बनाते हैं, उसके अंदर कैरेक्टर्स होती है, उसके अंदर भी पॉलिटिक्स होता है। तो वो पॉलिटिक्स मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, मैं वो बनाना चाहता हूँ। मैं हिस्टोरिकल फिल्में बनाना चाहता हूँ आगे जाके। अगेन मेरा जो फोर्ट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ये ना छोड़े हुए, जैसे आनंदी गोपाल पीरियड फिल्म है लेकिन वो उन दोनों की फिल्म है, वो सिर्फ ये फिल्म नहीं है कि वो कैसे ये डॉक्टर बनी और ये डॉक्टर बनने के लिए उसके पति ने उसको कैसे मदद की, सिर्फ उतनी फिल्म नहीं है, उन दोनों के भी फिल्में ही है। तो वो मैं हर एंगल से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ आगे, तो भले वो ओटीटी हो भले वो बड़ा पर्दा हो, दोनों जगह पे। तो कहाँ पर और हाउ सून आपका नेक्स्ट हम कोई काम देखने वाले? अभी तो स्क्रिप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं,
देखता है वो जैसे ही फाइनल होगा आगे, देखता है कैसे हम लोग आगे जाते हैं, लेकिन जल्द से जल्द करेंगे कुछ ना कुछ स्टार्ट। चलिए हम इंतजार करेंगे आपके अनाउंसमेंट का और फिर से उस प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू करने का। बट समीर अभी बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं, जिन्होंने फिल्म देखी होगी, तो उन ऑडियंस को अगर आप सिनेमा घर खींचना चाहते हैं आपकी फिल्म के लिए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि अगर आपने सत्य प्रेम की कथा नहीं देखी हो तो प्लीज प्लीज जल्दी जाके देखिए, क्योंकि आपको हंसी आएगी, आपको रोना आएगा, आपको अच्छा मैसेज मिलेगा, आपको फील गुड फैक्टर मिलेगा, आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपको नाचने का मन करेगा। वो हर चीज जो देखने आप बड़े स्क्रीन पे जाते हो वो आपको देखने को मिलेगी, और जब आप बाहर निकलोगे तो आप उन कैरेक्टर्स के साथ, उस सब्जेक्ट के साथ और उस फिल्म के साथ घर जाओगे और पक्का और किसी को लेके वापस वो देखने जाओगे। तो जिन्होंने नहीं देखी है आप फिल्म जरूर देखिए, अच्छी लगी है तो वापस से देखिए। एंड समीर का अगर और ऐसा ही काम आप देखना चाहते हैं तो भाई जल्दी जल्दी उनके काम को अप्रिशिएट भी कीजिए। सो ऑन दैट नोट समीर, विशिंग यू ऑल द लक फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, और जल्दी से आपसे फिर मुलाकात हो। बट फॉर नाउ थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।